Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. Hi, my lovelies. Welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. Today is, you can say that it is like a special day for me because I am gonna shoot my first ever video in my studio space. So that's the setup behind me, you guys can see that. अभी उतना फर्नीचर वगैरह नहीं आया है एक्सेप्ट द सोफा. मैं सोफा भी इसी व्लॉग में रिवील करने वाली हूँ, स्टे ट्यून फॉर दैट. ऑल्सो आज कितने टाइम बाद मैं अपने यू नो स्टूडियो स्पेस में शूट करने वाली थी, बट यू नो वॉट, मेरा नेल टूट गया, यू गाइस कैन सी. एंड ये वाला भी क्रैक हो चुका है एंड आई एम जस्ट सो पिस्ड ऑफ राइट नाउ. यू नो व्हाइल आई वाज शूटिंग द इंट्रो, इशिता का कॉल आ गया था, वीडियो कॉल फॉर द फर्स्ट टाइम. सो मैं उससे बात करने लग गई थी. शी इज इन दिल्ली राइट नाउ एंड हम लोग कल या फिर परसों मोस्ट प्रोबेबली मिल रहे हैं. कल मैंने उसको बोला था दैट यू नो आई वॉन्ट गो टू बंजारा मार्केट क्योंकि मुझे अपने स्टूडियो के लिए कुछ यू नो शॉपिंग करनी थी. सो शी वॉज लाइक कि मुझे भी आना है. सो अब देखते हैं वो कल बंजारा मार्केट में मुझसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट परसों तो वी आर डेफिनेटली मीटिंग फॉर श्योर. ऑल्सो स्विच बोर्ड की थोड़ी कमी है, सो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पे. ओके, स्ट्रगल्स, अब क्या कर सकते हैं. बट एनीवेज, आई एम जस्ट गोना स्टार्ट शूटिंग. राइट गाइस, आई जस्ट सैट डाउन टू चेक द कैमरा एंगल एंड एवरीथिंग एंड ओ माय गॉड, द बैकड्रॉप इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो बोहो एस्थेटिक, लाइक माय बोहो ड्रीम्स, पिंटरेस्टी बोहो ड्रीम्स आर टर्निंग इनटू रियलिटी. जस्ट लुक एट इट गाइस, कितना सुंदर लग रहा है यार. बाय द वे, प्लीज इग्नोर दैट वॉल, पूरा कर्टेन्स आ जाएंगे यहाँ पे अभी. So, सब कुछ ढक जाएगा, यू नो, जितनी थोड़ी इसे अग्लीनेस है. One hour later. So, I just finished filming a decor haul, मतलब basically the things that I got from for my studio space, and this is what the mess looks like, guys. Just got done filming a Sarojini Nagar haul, guys, and it's time to shoot the try-on part. One eternity later. Finally done with the shoot, guys. Try-on part मैंने अभी just record किया है. I'm super duper hungry, sleepy, tired and what not. थोड़ा बहुत मैंने wrap up भी कर लिया, you guys can see. So yeah, that's it for today. I'm gonna catch you guys tomorrow. मैं कल जाने वाली हूँ बंजारा market. शिकासा के लिए थोड़ी और चीजें खरीदने. That's that. I'm just gonna go downstairs now. By the way, I'm sure you guys must be wondering कि where is my studio located. Basically, my studio is in the same building. Yes, you heard that right. इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं एंड थर्ड फ्लोर पे मेरा शिकासा है, स्टूडियो है बेसिकली. सो मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे 12, 1, 2, 3 कितने बजे तक भी बैठ के रात को काम करूंगी, मतलब कर सकती हूँ. बहुत ही कन्वीनियंट है क्योंकि जस्ट नीचे डाउन स्टेज ही जाना होगा अपने घर पे. सो अभी मैं हूँ अपने स्टूडियो में एंड नाउ आई एम जस्ट गोना गो डाउन स्टेज. मैं जितनी भी दो तीन ऐसे एसेंशियल चीज़ें हैं वो लेके चलती हूँ, जस्ट लाइक माई कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी चार्ज पे लगा दूंगी, देन माई आई थिंक दिस बैग, आई एम जस्ट गोना लीव इट हियर. मतलब अभी उतनी हिम्मत नहीं है इतना सारा बोझा ढो के नीचे जाऊँ मैं अपने घर. सो या, दैट्स इट फॉर नाउ. आई एम गोना कैच यू गाइज टुमारो द नेक्स्ट डे. Hi guys, so right now we are at Banjara Market और हम लोग आए furniture shopping करने के लिए. furniture and decor both, मतलब furniture तभी लेंगे जब कुछ अच्छा मिलेगा. This is what the market looks like. अभी just हम लोग entry कर ही रहे हैं, so let's go. अभी हम लोग बंजारा मार्केट में टकरा गए एक दूसरे से. हमको पता था कि ये भी आ रही है, मैं भी आ रही हूँ, बट ये नहीं था कि मिलने का प्लान नहीं था. हाँ, तेरी आवाज बैठी हुई है ना. हाँ. मेरी वीडियो में मेरी आवाज बेटर है, अभी कुछ ज्यादा ही हस्की हो रही है. हाँ. It's okay. Cool. तो अभी हम शॉपिंग, ये कल हम जाएंगे सरोजनी. यस, आज हम बंजारा में टकराए और इन्होंने ज्यादा कुछ खास तो लिया नहीं है. पता नहीं दो घंटे से पता नहीं ये लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे. तुम पहले ढूंढो, मैं देखती हूँ तुम क्या खास लेके जा रहे हो. मैं लेके जाऊंगी भाई, मुझे अभी स्टूडियो बनाना है अपना. डेडिकेशन देखो, मैं लखनऊ से बन जा रहा हूँ. वाओ,
चलो रो रो के पहले इसका टुकड़ा सुन लेते हैं। यार 10 बार रो चुकी कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाती हूँ, सामान बड़ा प्यारा है। मैं तो बोल रही हूँ इसे आ जाए, बहुत अच्छा है। चलो अभी मेरी शॉपिंग होने वाली है स्टार्ट, इनकी पता नहीं क्या हुई है, मुझे पता नहीं। हमारी शॉपिंग एग्जिस्ट नहीं करती इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हम घूमने आए थे। हमने अभी इशिता को टाटा बोल दिया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनको कुछ और चेकआउट करना था, मुझे कुछ और चेकआउट करना था। सो मेरे को एक्चुअली मेन फर्नीचर देखना है, लाइक एडिटिंग टेबल, स्टूल वगैरह। सो अभी देख तो रहे हैं हम लोग, इतनी अच्छी तो वैरायटी है, बट ना प्राइजेस मुझे थोड़े, लाइक आई एम विजिटिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो थोड़ी बार्गेनिंग स्किल्स मेरी एवं ही है, सो ऑफ कोर्स ही वुड हेल्प मी आउट। आई जस्ट गॉट अ रग फ्रॉम दिस शॉप, गॉड ब्लेस अभिषेक, वो इतनी अच्छी बार्गेनिंग करता है। 2500 का रग उसने 1000 रुपीज में ले लिया। आई एम गेटिंग दिस मैक्रमे मिरर, गॉड ब्लेस यू अभिषेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हे गाइस, सो इट इज द नेक्स्ट डे। कल बंजारा मार्केट से आते आते इतना ज्यादा लेट हो गया था ना, आई कैन नॉट इवन टेल यू। लाइक हम 8:30 घर पहुंचे हैं, क्योंकि इतना ट्रैफिक था एंड मैं ऑनेस्टली इतना थक चुकी थी ना, दैट आई हैव फॉरगॉट टू व्लॉग। आई नो आई एम सच अ भुलक्कड़ व्लॉगर। आज का प्लान है कि आज हम लोग जाने वाले हैं सरोजनी नगर शॉपिंग के लिए इशिता एंड वन्या के साथ। सो आई एम जस्ट गोना शो यू द सोफा फर्स्ट। आई नो मैंने तुम लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में रिवील करूंगी अपना सोफा, सो आई एम जस्ट गोना रिवील द सोफा। मेरी मम्मी ने इसको दोबारा न्यू बेडशीट से ढक दिया है, बिकॉज स्वेट मटीरियल है, कलर भी ऐसा है कि बहुत जल्दी मैले होने के चांसेस हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज व्हाट माय सोफा लुक्स लाइक। इट्स अ दिस रियली ब्यूटीफुल, लाइक अ रस्टी ऑरेंज सॉर्ट ऑफ अ कलर। ये अभी लाइटिंग की वजह से थोड़ा डार्क लग रहा है, बट द एक्चुअल कलर इज दिस वन दैट यू गाइस कैन सी। इट लुक्स सो पिंटरेस्टी एंड सो बोहो, यू नो, मुझे काफी अच्छा लगता है। इसकी फोम वगैरह भी मुझे काफी अच्छी लगी, लाइक वेरी वेरी कंफर्टेबल इट इज, एंड एकदम ऐसे पिंटरेस्टी वाइब्स दे रहा है। ये हमने एक्चुअली कस्टमाइज्ड बनवाया है फ्रॉम कीर्ति नगर, एंड इट ऑल्सो कम्स विद दीज वेरी वेरी बिग कुशंस, लाइक आई हैव 3 ऑफ दीज। सो ये एकदम ऐसे सेम मटेरियल के उन्होंने हमें बना के दिए, बट आई एम नॉट गोना बी कीपिंग दीज वंस, मतलब बहुत ही फिर यू नो ऐसा, आई डोंट नो, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप सम नाइस बोहो कुशन कवर्स कंट्रास्टिंग कलर के। बट या दिस इज व्हाट माय गॉर्जियस सोफा लुक्स लाइक, इट इज सुपर कम्फी एंड आई लव इट। सो गाइस, ये तो था मेरा ब्यूटीफुल सा पिंटरेस्टी बोहो सोफा। आई कैन फाइनली सिट ऑन इट एंड स्टार्ट शूटिंग वीडियोज। एनी वेज, बिफोर आई लीव माई हाउस, बेसिकली मैं जस्ट चेंज करके चली जाऊंगी शॉपिंग करने। आई रियली वॉन्टेड टू वॉश माई हेयर टूडे, इट्स लाइक अ वेरी बैड हेयर डे, बट आई एम जस्ट स्किपिंग इट फॉर टूडे। द थिंग इज कि मैं कुछ टाइम से ना ऐसे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, विच आई थिंक आई शुड डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज, क्योंकि आई एम लाइक 23 राइट नाउ, देन अभी मैं अपने मिड 20s में ऑलमोस्ट आ ही चुकी हूँ, 5-7 साल बाद मैं अपने 30s में एंटर कर जाऊंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज, यू नो, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स इन द वेरी बिगिनिंग, सो दैट यू डोंट रिग्रेट इट लेटर के क्यों मैंने यूज नहीं किए पहले एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो। मैं रिसेंटली ना ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं, विच इज बाय दिस ब्रांड कॉल्ड मिशेल USA, एंड आई हैव बीन यूजिंग देयर एज प्रिवेंशन SPF 45 मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन, एज वेल एज देयर इंटेंसिव डीप नरिश एंटी एजिंग फुट क्रीम। सो आई हैव बीन यूजिंग बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, एंड क्योंकि अभी मैं ऑब्वियसली बाहर आई विल स्टेप आउट इन द सन, सो ऑफ कोर्स सनस्क्रीन इज अ मस्ट। बेसिकली इट्स एन ऑयल फ्री सनस्क्रीन विच प्रिवेंट्स डार्क स्पॉट्स, ऑल्सो इट इज dermatologically tested. I really like this sunscreen now because it is so moisturizing. Like winters, मेरी skin इतनी ज़्यादा dry हो जाती है ना, I cannot even tell you. This is actually very moisturizing, you guys. And सिर्फ ये लगा लूँ ना तो मुझे अलग से moisturizer लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसमें SPF 45 है, like I said, and ये 98% of the UVA and UVB rays को block करता है, which is again a big thumbs up from my side. So it comes in a really nice, you know, pump packaging. And no matter what skin type you have, guys, you can definitely use this because the formula is oil free and ये sweat proof and water proof भी है, काफी अच्छा सा, you know, skin tone को even बनाने में help करता है and skin को protect करता है from tanning. I would highly recommend you guys this sunscreen, just go for it, you know, because when I was reading the ingredients now, I got to know that these products have lotus seed extract जो कि help करते हैं wrinkles को reduce करने में, साथ के साथ हमारे skin की elasticity को improve करते हैं, and it also helps to nourish the skin by replacing
missing lost moisture, so just go for it. Like, I honestly love this one. Now, another product is this one, the foot cream. It is like an anti-aging foot cream. So, isko na main usually raat ke time pe lagati hu. When I come back home, kahin se bhi main agar aaun, main apne pair wash karke foot cream ko laga ke so jaati hu raat ko. And it does its magic. Pump hai isme bhi, which is very, very convenient again. Now, this is like an intensely moisturizing foot cream. Like, I really like this because jitne bhi hamare dry and chapped फीट होते हैं ना, काफी अच्छे से नरिश कर देता है. Now guys, इसमें भी ना लोटस सीड एक्सट्रैक्ट है, which would ensure that our feet stays younger for longer. And जब आप इसको रेगुलरली यूज करना स्टार्ट करोगे ना गाइज, यू वुड सी के इसमें जो एंटी ऑक्सीडेंट्स है ना, उसकी वजह से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी विल इम्प्रूव. तो ये दोनों ही एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है. लाइक ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू आर इन योर मिड 20s और इफ यू आर अबाउट टू एंटर योर मिड 20s और योर 30s, प्लीज स्टार्ट यूजिंग एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स. ट्रस्ट मी, यू विल thank yourself for that. I would highly recommend you guys both of these products. The sunscreen is beautiful. It's waterproof, sweatproof, oil-free formula hai. And ye jo foot cream hai, this is also like non-sticky, quick absorbing formula. Definitely check out these products. Main in dono ke hi links aapko niche description box mein mention kar dungi. And I also have a good news for you guys. So you can use my coupon code for some extra discount. Main coupon code ki details and everything yahan screen pe mention kar dungi. So make sure you grab the offer. And yes, that's pretty much it. And जस्ट रियलाइज आई एम गेटिंग वेरी लेट यू गाइज, मतलब उन दोनों से डांट पड़ जाएगी मुझे. मैं जल्दी से अब चेंज करती हूँ एंड आई एम गोना सी यू एट द मेट्रो स्टेशन. सो गाइज, राइट नाउ आई एम एट द मेट्रो स्टेशन. आई एम ऑलरेडी वेरी वेरी लेट. इशिता एंड वाना इज ऑलरेडी देयर. Five minutes later. मैं हमेशा बिना बताए ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ. ये अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर ना लेंथ भी अच्छी हो रही है. इशू चिक्स चेकिंग आउट सम बैग्स. दिस इज वेरी नाइस. ये एक्चुअली अच्छा है. हाँ, वन्ने इज ऑल्सो ब्लॉगिंग. ये ब्लॉग के अंदर ब्लॉग के अंदर ब्लॉग के अंदर ब्लॉग ब्लॉगिंग सेक्शन. So we just got two cushion covers from this shop, my all-time favorite cushion cover wali shop, and now they are just checking out some skirts, Senorita skirts. Vanya is again vlogging. So guys, we are done with the shopping. And it's time to say goodbye. Bye. Bye bye. Ishita, happy journey and बहुत जल्दी मिलेंगे लखनऊ में. हाँ, अगर मैं आई तो टूंडी कबाब चलेंगे. Yes, yes. अरे और भी बहुत सारी चीजें. हाँ हाँ. Yes, see you. Two days later. Hey guys, so I am vlogging after a day. कल हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था. वी जस्ट वेंट टू गुरु जी के मंदिर एंड ऑल्सो गॉट माई नेल्स फिक्स्ड, जो कि टूट गए थे. मैंने आपको दिखाया था. नहीं, दिस वॉज नॉट द शॉप, आगे थी वो. अभी हम लोग आए हैं सिकंदरपुर फर्नीचर मार्केट. मुझे यहाँ पे एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट वैसे ही कुछ पसंद आया था. बोहो वाइब थी उसकी, बोहो एस्थेटिक. या सो वो मुझे पसंद आया था. अभी हम लोग वही लेने आए हैं. फाइनली मैंने अपना मन बना लिया है. I don't think this is the shop, Abu. आगे जाके थी वो काफी. But yeah, this is what the furniture market looks like. I hope कि इनके पास हो यार वो. है ना? Let's go inside the shop. Finally got a very good deal. This is the shop name. Just in case you wanna check it out. अभी मैं नहीं reveal करने वाली furniture. Hello. जो मैं ले रही हूँ, because I've already revealed the sofa in this vlog. So, कुछ ना कुछ फर्नीचर तो ऑब्वियसली छुपा के रखना चाहिए ना, ताकि मैं बाद में अपने नेक्स्ट व्लॉग में रिवील कर पाऊँ. अभी जस्ट हम लोगों को इन्होंने बोला है कि पॉलिश वॉलिश अच्छे से करके देंगे. सो इट्स गोना टेक 1 आवर, तब तक हम वेट कर रहे हैं. Later that same evening. Hey guys, so I just got back home. कुछ देर पहले ही आई हूँ. एक्चुअली हम लोग सिकंदरपुर फर्नीचर मार्केट से आगे बंजारा मार्केट चले गए थे. इट वॉज लाइक 12-13 मिनट्स अवे. तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे एडिटिंग टेबल देखनी थी, तो हम वही देखने चले गए थे. वहाँ पे हम बुक वगैरह करा के आ गए, जस्ट कलर वगैरह पॉलिश वगैरह चेंज करानी है उसकी.
टेबल की, सो वो भी परसों तक हो जाएगी। एंड फिर जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर टाइप की जो थिंग मैंने देखी है वो भी, वैसे तो कल उठा सकते थे हम जाके, बट देन परसों ही उठवा लें सो बेटर है, क्योंकि फिर बार बार क्यों मैं यू नो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बेयर करूं। सो परसों आने वाली है वो दोनों चीजें। अभी मैं जस्ट ऊपर स्टूडियो में आई हूँ बिकॉज कुछ पार्सल्स आए थे मेरे नीचे घर पे, सो वो जैसे जैसे यू नो पार्सल्स आते रहते मैं ऊपर लेके आती रहती हूँ। अब मैंने अपने घर में ऐसे मेस मचानी छोड़ दी है, जितने भी मेरे पार्सल्स आते हैं विद इन अ डे मैं ऊपर ले आती हूँ, एंड आई जस्ट लाइक टू कीप इट इन द अलमीरा जो अंदर वाले रूम में है। बाय द वे अंदर वाली अलमीरा जो है ना गाइस, लाइक अभी तो लिटरली मैंने अपना आधा सामान शिफ्ट भी नहीं किया है यहाँ पे, और अभी से अलमीरा भरना स्टार्ट हो गई है। लाइक वैसे तो मैंने सारा यहाँ पे ना ऐसे डेकोर वगैरह का सामान ही रखा हुआ है जो मुझे अब भी नहीं चाहिए, ये तभी यूज में आएगा जब पूरी प्लेस मैं सेट करूंगी। बट या उस दिन जो मैं सरोजनी नगर से सामान लाई थी वो यहाँ पे है इस बैग में, ठीक है। एंड ये जो है ना ये वाला सामान, ये मेरे पुराने सरोजनी हॉल का सामान है। ओके, आई वुड लाइक टू गिव यू लाइक अ क्विक अपडेट। जो मैंने उस दिन सरोजनी हॉल नहीं फिल्म किया था व्लॉग के स्टार्टिंग में, व्हेन आई टोल्ड यू दैट आई फिल्म द सरोजनी हॉल, वेल मैं उसकी फुटेज डिलीट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जब अभी दो दिन पहले इशिता के साथ गई थी सरोजनी नगर, इशिता वन्या के साथ, सो तभी मैंने शॉपिंग करी है, एंड तब मैंने कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं खरीदी, आई जस्ट शॉप लाइक 7 to 8 थिंग्स। सो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अब मैं उन चीजों को भी ऐड कर दूं एंड एक फ्रेश हॉल बना लूं, ठीक है। इट्स बेटर कि मैं एक ही हॉल बना के डालू, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू मेक टू सेपरेट सरोजनी हॉल्स, क्योंकि दोनों विंटर हॉल्स हैं, यू नो। सो या आई एम गोना डू दैट, मैं वो फुटेज डिलीट कर दूंगी अभी नीचे जाके। एडिटिंग अभी मैं नीचे ही करती हूँ, अभी मैंने ऊपर अपना कुछ ऐसा शिफ्ट नहीं किया बिकॉज एडिटिंग टेबल लाइक आई सेड कि आज ही पसंद करके आई हूँ, सो आई एम जस्ट गोना मेक लाइक अ एडिटिंग कॉर्नर फॉर माई सेल्फ इन दिस प्लेस। ऑल्सो क्या बोलने वाली थी मैं भूल गई, आई थिंक आई शुड एंड दिस व्लॉग, यू नो वाई, बिकॉज ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, आई एम प्रिटी श्योर, एंड इफ यू आर वॉचिंग द व्लॉग टिल हियर देन थैंक यू सो 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 मच, आई लव यू गाइज। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द न्यू ईयर कॉन्टेस्ट दैट आई एम रनिंग ऑन माई चैनल, ठीक है, क्योंकि ये व्लॉग मैं खत्म कर रही हूँ। सो या आई एम एक्चुअली गिविंग लाइक अ नायका वाउचर वर्थ ₹250 टू एवरी विनर, एंड द रूल्स आर प्रिटी सिंपल, लाइक बहुत सिंपल है। You just have to be a subscriber of my channel, follow me on Instagram, and you have to answer like a very simple question in the comments down below. And आज क्योंकि एक ही vlog ही है, so आज के contest का question है कि आपका favorite part कौन सा था इस vlog में से, just let me know in the comments down below, and you are done. 3 days के बाद मैं इस contest का winner इसी video के description box में announce कर दूंगी, so make sure you come back and check the description box after 3 days. If you like this video, then please make sure you give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. In case you guys would like to connect with me on my social medias, I would surely leave all the links for you in the description box below as always. And yes, I shall see you next time in a new video, maybe a new vlog, you know. And new vlog mein main apna wo jo aaj furniture liya hai wo wala reveal karti hu, theek hai, dheere dheere karke hum reveal karenge sab kuch. So yeah, I'm gonna see you next time. Till then, you all please stay safe, stay positive, and be kind to yourself and others. Bye.